Hello children, welcome to your EVS video class. Children, in EVS, as you know that we are doing animals around us. This chapter is related to different types of animals. And I have started this chapter two, three videos back and have explained you characteristics of animals. Then I have explained you different types of animals according to their size, big, medium and small. And then we discussed about a pet animal, domestic animal, wild animals. Later we discussed milch animals. Milch animal ke bare mein maine aapko bataya tha ki the animals that give us milk. Children, all milch animals are domestic animals because we keep milch animals because they give us milk. So they are domestic animals. But I have also told you that all domestic animals are not milch animals. Jitne bhi domestic animals hain, sab milch animal nahi hote hain. Like horse hai, donkey hai, mule hai, ye sab milch animal nahi hain. They are domestic animals. But the animals that give us milk, they all are domestic animals. Then I talked about mammals. Mammals के बारे में आपको मैंने बताया था कि mammals वो animals होते हैं which give birth to babies. They do not lay eggs. They give birth to babies. और pet animal भी mammals हो सकते हैं. Domestic animal mammals होते हैं. Wild animal भी mammals होते हैं. ठीक है? जैसे cow है, goat है, buffalo है. ये सब क्या करते हैं? They give birth to babies. तो ये क्या है? मैमल्स हैं. मतलब डोमेस्टिक एनिमल मैमल होते हैं. देन कैट, डॉग, रैबिट, माउस, ये सारे क्या हैं? दे ऑल गिव बर्थ टू बेबीज, सो दे आर ऑल्सो मैमल्स एंड दे आर पेट ऑल्सो. दे आर पेट एनिमल्स, सो पेट एनिमल भी मैमल्स होते हैं. वाइल्ड एनिमल में आप जितने भी आप अभी सोच सकते हैं वाइल्ड एनिमल्स, वो सब अगर आप ऐसे देखेंगे तो सब के सब बच्चे देते हैं. दे ऑल गिव बर्थ टू बेबीज. लायन, टाइगर, लेपर्ड, जिराफ, डियर, बेयर, सारे दे ऑल गिव बर्थ टू बेबीज. सो दे ऑल आर मैमल्स. इसका मतलब है मैमल्स में पेट एनिमल्स भी आते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स भी आते हैं और वाइल्ड एनिमल्स भी आते हैं. ठीक है? Now we will talk about another type of animals and as per your book we are going, it is amphibians. हम आज पढ़ेंगे amphibians के बारे में. amphibians, amphibians क्या होता है? amphibians का पहले आपको मतलब थोड़ा सा मैं बता दूँ. एम्फी का मतलब होता है बोथ या टू लाइव्स. ये जो एम्फी वर्ड है इसका मतलब होता है टू लाइव्स, दो जिंदगी. अभी दो जिंदगी मतलब टू लाइव्स मतलब फर्स्ट हाफ इन वाटर वाटर एंड सेकेंड हाफ ऑन लैंड. ऐसा समझ सकते हैं मतलब एम्फी मतलब बोथ, दोनों. जो एनिमल्स, द एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ इन वाटर एंड लैंड. ओके, द एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ इन वाटर and on land are called amphibians. इसका pronunciation है amphibians. ये PHI जो है ना, ये F है. ठीक है? amphibians इसका ऐसा sound आता है, amphibians. ठीक है? ये F जो है, PHI जो है, वो F का साउंड देता है. तो amphibians, एम्फी का मतलब जैसे मैंने बताया टू लाइव्स, फर्स्ट लाइफ इन वाटर एंड सेकेंड लाइफ इन ऑन लैंड. तो जो एनिमल्स दोनों जगह रह सकते हैं, लैंड में भी पर भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं, दी सच एनिमल्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस. अब ऐसा कैसे होता है कि दोनों जगह रह पाते हैं? एम्फीबियंस दोनों जगह कैसे रह पाते हैं? तो चिल्ड्रन, ऐसा है ना कि इनकी बॉडी ऐसे ही ग्रो करती है. जब ये पानी में रहते हैं तो
इनका जो बॉडी का ग्रोथ होता है उसके अकॉर्डिंग होता है, और जब ये लैंड पे रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि ज़्यादातर जो एम्फीबियंस होते हैं उनका ना स्किन चिकना चिकना होता है जब वो पानी में रहते हैं ना, तो उनके बॉडी पे कोई हेयर नहीं होता है, सबसे पहले कोई बाल नहीं होगा, कोई स्केल्स नहीं होंगे, और ज़्यादातर जो होते हैं इन आपको जो देखने के मिलेंगे, जैसे फ़िश को ले लीजिए आप, फ़िश तो खैर वाटर एनिमल है, फ्रॉग, फ्रॉग जो है वो एम्फीबियन है, वो पानी में भी रह लेता है और लैंड पे भी रह लेता है। पानी में रहता है तो स्किन से ब्रीथ करता है, लैंड पे रहता है तो उसके लंग्स रहते हैं, पानी में जब वो रहता है तो उसके उस वक्त लंग्स डेवलप नहीं हुए रहते हैं, जब वो लैंड पे रहता है जब वो थोड़ा ग्रो करता है तो उसके लंग्स आ जाते हैं, एंड देन स्टार्ट्स ब्रीदिंग विद लंग्स। ठीक है, तो इसीलिए टू लाइफ्स कहा जाता है ना, कि जो उसकी फर्स्ट लाइफ है वो तो वाटर में है, टोड के जो फ्रॉग होता है, और वो दिखने में थोड़ा थोड़ा मछली जैसा लगता है, फिश जैसा लगता है जब वो स्टार्टिंग में छोटे छोटे होते हैं जब ये फ्रॉग्स पानी में, तो ये कन्फ्यूज अगर हमको नहीं पता हो ना तो ये छोटे छोटे मछलियों जैसे दिखते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे फिश की तरह दिखते हैं, पर एक्चुअली में ये फ्रॉग होता है। जैसे जैसे ये बड़ा होता है इसकी इसका पूंछ जो है वो छोटा हो जाता है, देन ये इसके फोर लेग्स आ जाते हैं और फिर ये प्रॉपर फ्रॉग बन जाता है। फिर इस कैटेगरी में जो एम्फीबियंस की कैटेगरी में टॉर्टस भी आते हैं, टर्टल भी आते हैं। टॉर्टस जो कछुआ होता है वो पानी में भी रह लेता है और लैंड में भी रह लेता है। सिमिलरली क्रोकोडाइल्स जो मगरमच्छ होते हैं वो भी एम्फीबियंस हैं, दे लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। ये लोग पानी में भी रह लेते हैं और लैंड पर भी ये रह पाते हैं। इनका बॉडी का ग्रोथ ऐसा होता है, इनके ऑर्गन्स ऐसे होते हैं कि ये पानी में भी ब्रीथ कर लेते हैं और लैंड पर भी ये आराम से रह लेते हैं। तो एम्फीबियंस समझ में आ गया, एम्फीबियंस मतलब द एनिमल्स दैट कैन लिव both on land and in water. Next we'll talk about reptiles. अब amphibian और reptiles का मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि बहुत से amphibians हैं जो reptiles भी हैं। तो reptiles किसको बोलते हैं, इस पर आ जाते हैं, बात कर लेते हैं। रेप्टाइल्स जो होते हैं दे आर एनिमल्स दैट क्रॉल ऑन लैंड। जब वो मूव करते हैं तो उनकी जो बॉडी होती है वो ज़मीन के बहुत क्लोज होती है या ज़मीन को टच करती है, ग्राउंड को कि जो सरफेस होता है उसको वो टच करती है। ठीक है, रेप्टाइल्स जब मूव करते हैं या मूव ना भी करें, अगर एक जगह पे रहते भी हैं तो उनकी जो बॉडी है वो ज़मीन के बहुत क्लोज होती है, या क्लोज नहीं है तो टच भी करती है, उनकी बॉडी जो है वो ज़मीन को टच करती है। दे क्रॉल अलोंग द ग्राउंड, जब वो चलते हैं तो ज़मीन को टच करते हुए चलते हैं, मतलब उनके पैर बहुत छोटे छोटे होते हैं या तो पैर नहीं भी होते हैं, कुछ कुछ रेप्टाइल्स के पैर नहीं होते हैं, और अगर उनके जो पैर होते हैं वो बहुत शॉर्ट होते हैं, इसीलिए जब वो मूव करते हैं ज़मीन पर, जब वो चलते हैं तो वो क्रॉल जैसा लगता है, और उनका जो बॉडी का जो बेस है, जो फ्रंट पार्ट है, वो ज़मीन को काफ़ी हद तक टच करता रहता है, तो इसी ये कहलाते हैं रेप्टाइल्स, मतलब रेंगने वाले एनिमल्स जो सरक सरक के ज़्यादातर चलते हैं, जैसे कि स्नेक। स्नेक इज़ अ रेप्टाइल, स्नेक जो है वो रेप्टाइल है, उसके तो पैर ही नहीं होते स्नेक के, और जब वो मूव करता है स्नेक तो उसका तो पूरा बॉडी ही ग्राउंड पे टच करता है, तो स्नेक क्या है, रेप्टाइल है। और स्नेक एम्फीबियन भी होते हैं, कुछ स्नेक पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रह पाते हैं, तो एम्फीबियन भी हो गए और रेप्टाइल्स भी हो गए। सिमिलरली क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल को अगर आपने देखा होगा जू में या कहीं पर भी, या मूवी में या किसी डॉक्यूमेंट्री में टीवी पे देखा होगा, तो आपने देखा होगा वो कैसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है, तो उसकी बॉडी जो है वो ग्राउंड को टच करते हुए जाती है ना, और इसका मतलब ये रेप्टाइल है, वो रेंग रेंग के चल रहा है, उसकी बॉडी ग्राउंड को टच कर रही है, और क्रोकोडाइल लैंड और वाटर दोनों में रहता है, यानी वो एम्फीबियन भी हो गया। ठीक, और सोचिए टॉर्टस, जो टॉर्टस होता है वो भी ऐसे जब चलता है तो उसका जो बॉडी है वो ग्राउंड को टच करता है, और टॉर्टस पानी में भी रहता है और ज़मीन पे भी रहता है, तो वो रेप्टाइल भी हो गया, एम्फीबियन भी हो गया। देन वी हैव लिजर्ड, लिजर्ड जो होती है वो रेप्टाइल है, वो एम्फीबियन नहीं है, रेप्टाइल है। वो लिजर्ड को अपने वॉल पे देखा होगा जब चलते हुए, तो वो चिपकी रहती है ना वॉल पे, तो वॉल पूरा उसकी बॉडी को टच हो रहा होता है जब वो मूव करती है, तो दीवार पे ऐसे ऐसे जब चढ़ती है,
है ना, तो वो क्रॉल करती है तो पूरा बॉडी जो है वो टच कर रहा होता है ग्राउंड को या वॉल को। और आप जितने भी मैंने अभी नाम लिए, क्रोकोडाइल, टॉर्टस, लिजर्ड, इन सब के पैर आप अगर आपने नोटिस किए होंगे, लेग तो छोटे छोटे इनके पैर होते हैं, बॉडी के अकॉर्डिंग जो पैर की साइज़ है वो छोटी होती है। देन वी हैव कमेलियन, जिन्हें हम हिंदी में गिरगिट बोलते हैं, तो कमेलियन भी रेप्टाइल है। ठीक, तो ये सब रेप्टाइल जो हैं, रेप्टाइल को कैसे पहचानेंगे? दे क्रॉल ऑन द ग्राउंड एंड देयर बॉडी इज़ वेरी क्लोज टू ग्राउंड और टचेज़ द ग्राउंड, या तो ग्राउंड को टच करता है या फिर बहुत क्लोज होता है। ठीक, तो रेप्टाइल के बारे में लिख देते हैं, द एनिमल्स दैट क्रॉल अलोंग द ग्राउंड, ठीक है, दे हैव शॉर्ट लेग्स और नो लेग्स, या तो बहुत छोटे पैर, छोटे ही पैर होते हैं, और जैसे स्नेक हुआ एग्जाम्पल, उसके तो पैर ही नहीं होते हैं। ठीक है, और मैनी रेप्टाइल्स आर एम्फीबियंस ऑल्सो, मैनी रेप्टाइल्स आर बहुत सारे रेप्टाइल्स एम्फीबियंस भी होते हैं, वो पानी और ज़मीन दोनों में रह लेते हैं। तो आपको मैंने बताया रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल्स, आपको मैंने बता दिया कि वो कैसे उनका कैसे हम उनको पहचानेंगे। एक और चीज़ है, मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स ले एग, जितने भी मैंने आपको नाम गिनाए वो सब क्या है, दे डोंट गिव बर्थ टू बेबीज, दे ले एग। तो हम ये ऐड कर सकते हैं कि मोस्टली दे मोस्टली ले एग। रेप्टाइल्स मोस्टली अंडे देते हैं। ठीक है, एक और आपको ज़्यादा एक चीज़ देखने को मिलेगी कि जो स्किन होता है, द स्किन कवर्ड इज कवर्ड विथ ड्राई हार्ड स्केल्स, देयर स्किन इज कवर्ड विथ ड्राई हार्ड स्केल्स। उनकी जो स्किन होती है उसकी पपड़ी जैसी उस पर जब होत रहती है, एक सूखी सूखी सी ड्राई हार्ड स्केल होता है। अगर आपने कभी क्रोकोडाइल को देखा होगा तो क्रोकोडाइल का स्किन कैसा होता है, हार्ड सा उसके ऊपर होता है, या स्नेक की बॉडी पे भी एक स्केल होता है जिसको हम सांप के जो छाल जिसको बोलते हैं, केचुली जैसा उसके ऊपर होता है, तो उसके बॉडी पे भी स्केल होता है। लिजर्ड की बॉडी पे भी काफ़ी ड्राई हार्ड उसके स्किन पे होता है। और एक और चीज़ जो है इनके बारे में, ये दीज आर कोल्ड ब्लडेड, इनको कोल्ड ब्लडेड बोला जाता है। अभी कोल्ड ब्लडेड एक नया टर्म है आपके लिए, आप जब बड़ी क्लास में पढ़ेंगे ना तो आपको इसका जो मीनिंग है वो समझ में आएगा। कोल्ड ब्लडेड एक्चुअली क्या होता है कि ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं। जैसे माहौल में वो रहते हैं, जिस सराउंडिंग में रहते हैं, उनका बॉडी का टेम्परेचर अकॉर्डिंगली मेंटेन हो जाता है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग कोल्ड ब्लडेड नहीं हैं, हमारा खून का टेम्परेचर अपने आप मेंटेन नहीं होता। जब हम ठंडे जगह में जाते हैं तो हमें बहुत ठंड लगने लगती है क्योंकि हमारा बॉडी उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं हो पाता है। लेकिन जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, इनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग के हिसाब से वो मेंटेन, बहुत ठंडी जगह पे जाएंगे तो इनकी बॉडी एडजस्ट हो जाएगी, गर्म जगह पे जाएंगे तो वहाँ पे उनकी बॉडी एडजस्ट हो जाती है। तो ज़्यादातर रेप्टाइल्स जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड, ये अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपने बॉडी के टेम्परेचर को भी ये लोग मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है, देन आपको मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे ही दी है रेप्टाइल्स के बारे में, एग्जांपल्स आपको मैंने दे ही दिए हैं। एक कमेलियन के बारे में आपको एक और इन्फॉर्मेशन देनी है कि कमेलियंस जो हैं, दे कैन चेंज द
कलर ऑफ देयर स्किन, ये अपने स्किन का कलर चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग्स। जैसे अभी मैंने बताया कोल्ड ब्लडेड, तो कोल्ड ब्लडेड तो हो गया कि जो ब्लड का टेम्परेचर है वो चेंज हो जाता है सराउंडिंग के हिसाब से। जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनके ब्लड का जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, ठंडी में ठंड के अकॉर्डिंग या गर्मी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। लेकिन जो कमेलियन है वो अपने स्किन का कलर भी चेंज कर सकता है अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। इट इज़ अ रेप्टाइल दैट कैन चेंज द कलर ऑफ इट्स स्किन। ठीक, तो ये हो गया रेप्टाइल्स के बारे में। नाउ वी विल स्टडी अबाउट रोडेंट, नेक्स्ट हमें पढ़ना है रोडेंट के बारे में और इंसेक्ट्स के बारे में। रोडेंट एंड इंसेक्ट के बारे में वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। आज के वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। हमने रेप्टाइल्स पढ़ा और एम्फीबियंस के बारे में आज पढ़ा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंसेक्ट के और रोडेंट के बारे में पढ़ेंगे एंड देन विल स्टार्ट बर्ड ऑल्सो। बर्ड्स का हम सेपरेट एक टॉपिक लेके पढ़ेंगे क्योंकि वो थोड़े से इन सारे एनिमल्स से बर्ड्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।